नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। सुल्तानपुर में सांसद मेनका गांधी पहुंची। सांसद ने जीआईसी के पीछे बन रहे वेंडिंग जोन का निरीक्षण करते हुए मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने का निर्देश दिया। सुल्तानपुर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अरेस्ट किए गए एसएफआई और डीवाईएफआई के नेताओं की रिहाई की मांग की। अमेठी में शुक्ल बाजार विकास खंड के मोहना पश्चिम निवासी मोहम्मद तौफीक को मनिहार वेलफेयर ट्रस्ट का जिलाध्यक्ष चुना गया, इससे लोग काफी खुश नजर आए। अमेठी के मुसाफिर खाना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद स्मृति ईरानी के लिए पूजा की। आपको बता दें, सांसद स्मृति ईरानी कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। अमेठी में अग्निपथ के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अमेठी रेलवे स्टेशन की चेकिंग की। इस दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, ड्यूटी में लगे पुलिस बल को सतर्कता पूर्वक ड्यूटी करने के निर्देश दिए। अमेठी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महोना में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। यहां 10 बजे तक अस्पताल नहीं खुला, वहीं स्थायी डॉक्टर की नियुक्ति न होने से लोग परेशान हैं। रायबरेली में खीरो थाना क्षेत्र के खेड़ा गांव के पास अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं ने एनएच 232 को जाम कर दिया। काफी मशक्कत के बाद थाना अध्यक्ष आदर्श कुमार सिंह ने युवाओं को समझा बुझा कर शांत कराया। रायबरेली में रेलवे स्टेशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस आने जाने वाले हर यात्री की चेकिंग कर रही है ताकि कोई भी बवाल न कर पाए। अयोध्या के राम की पैड़ी में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में लगभग 5000 लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बहराइच में बनसरिता रिजॉर्ट में वुमेन फॉर विजडम के तत्वाधान में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी सहित जिले के कई नामचीन लोग शामिल हुए। बाराबंकी में यूपी बोर्ड टॉपर की टॉप 10 सूची में आने वाले 3 छात्रों को सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने तीनों बच्चों को मोमेंटो देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बाराबंकी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 169 जोड़ों की शादी हुई। इनमें 12 मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी कराया गया। गाजीपुर में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं से एसपी ने बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि युवाओं के क्रॉसिंग जाम करने की खबरें अफवाह हैं। किसी भी युवा ने क्रॉसिंग पर जाम नहीं लगाया था। गाजीपुर में युवा डंडे लाठी के साथ जब प्रदर्शन करने निकले तो आसपास के लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर ली। हालांकि जिले में किसी भी तरह का बवाल नहीं हुआ। रामपुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 2 जनसभाओं को संबोधित भी किया। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। साथ ही अगर आप इन खबरों से YouTube के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।